हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एच फॉर हॉरर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी काला मसान कहानी का पार्ट टू है। इस कहानी को समझने के लिए आपको पहले इस कहानी का पार्ट वन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। डर के मारे मेरी साइकिल का बैलेंस बिगड़ गया और मैं वहीं धड़ाम से जोर से रोड पर गिर गया। पीछे आ रही गाड़ी ने अगर जोर से ब्रेक नहीं मारा होता तो मैं शायद उसी दिन मर गया होता। मैं जैसे तैसे स्कूल पहुंचा और इसे बस एक हलूसिनेशन समझकर भूलने की कोशिश करने लगा। अगले दिन स्कूल में मैं अपनी क्लास में बैठा बैठा इसी बारे में सोच रहा था। मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं था। तभी टीचर ने मेरे पास आकर मुझे ब्लैक बोर्ड पर सवाल करने को कहा। मैं ब्लैकबोर्ड पर सवाल करने लगा। जैसे ही मैं सवाल पूरा करके पीछे मुड़ा, वहाँ कोई भी नहीं था। खिड़की के बाहर चारों तरफ घुर्प अंधेरा हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे रात हो चुकी है। लेकिन ये कैसे हो सकता है, अभी तो सिर्फ दिन के 10 ही बजे थे और मैं बोर्ड पर सवाल कर रहा था। अभी अभी इतनी अंधेरी रात कैसे हो सकती है। मैंने बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन तभी दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। मैं दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा, पर वो जैसे खुल ही नहीं रहा था। तभी मैंने वही गुर्राने की सी आवाज़ अपने कंधे के पास महसूस करी। मैं पीछे नहीं मुड़ा, मेरी हिम्मत ही नहीं थी, पर मैं इतना महसूस कर सकता था कि मेरे पीछे वही साया खड़ा है। मैं ज़ोरों से पूरी ताकत से दरवाज़ा खींचने लगा, शोर मचाने लगा, लातों घूसों से दरवाजे को पीटने लगा कि जैसे भी तैसे करके ये दरवाज़ा खुल जाए, पर कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था। मैं अपनी पूरी कोशिश कर चुका था, मेरी सारी कोशिशें बेकार थी। मैंने चीखना भी बंद कर दिया। मेरा चीखना अब रोने में बदल चुका था। मैं आंखें बंद कर मन ही मन दादाजी को याद करने लगा। मैंने देखा कि वो घुर्राने की सी आवाज़ अब बंद हो चुकी थी। मैंने आंखें खोली तो पूरी क्लास मेरे चारों तरफ खड़ी थी और सभी बच्चे मुझे अजीब ही ढंग से देख रहे थे। मेरे टीचर ने मुझसे पूछा, ये सब क्या कर रहे थे तुम, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। इसके बाद स्कूल वालों ने मुझे छुट्टी दे दी। मैं घर आ गया और सीधा सोने चला गया। शाम को जब मम्मी ऑफिस से आई तो पूछने लगी कि क्या मुझे कोई बुखार वगैरह तो नहीं है। मेरी आंखों के नीचे पूरी तरह से डार्क सर्कल्स पड़े हुए थे, होंठ सूख चुके थे, उसमें से पपड़ी निकलने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर का खून बस सूख चुका है। माँ ने मेरा हाल देखकर कहा कि आज तुम आराम करो, कल सुबह हम हॉस्पिटल चलेंगे। अगले दिन मेरी मम्मी मुझे हॉस्पिटल लेकर गई। वो आर्मी बेस हॉस्पिटल था। उन्होंने मेरे बहुत से टेस्ट करे, सब ठीक था, लेकिन ब्लड में मेरा हीमोग्लोबिन सिर्फ 6 ग्राम दिखा रहा था। ये देखकर वो लोग चौंक गए। मैं 13 साल का एक हेल्दी लड़का था। डॉक्टर मुझसे पूछने लगे, वो मुझसे कुछ पूछ ही रहे थे कि जैसे मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था और मेरा दिमाग ज़ोरों से घूमने लगा और मैं वहीं बड़े ज़ोर से गिर पड़ा। जगा तो देखा कि मैं हॉस्पिटल के बेड पर हूँ। मैं अपनी मम्मी को ढूंढने लगा। मैंने देखा कि वो कुछ डॉक्टर से बात कर रही हैं। वहाँ कुछ आर्मी के लोग भी खड़े थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी एक नर्स वहाँ आई और उन्होंने मुझसे कहा कि क्या ये सब रोज़ों से होता है। मैंने कहा, क्या? उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे पापा तुम्हें रोज़ मारते हैं। मैंने पूछा, आप ये सब क्या कह रहे हो, मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी हाथ नहीं उठाया। नर्स ने कहा, तुम्हारी पीठ पर चोटों के बहुत से निशान हैं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमने तुम्हारे पापा की कंप्लेंट कर दी है, अब तुम सेफ हो। मैं ये सब सुनकर हैरान था, वो ये सब क्या कहने लग रहे हैं। मैं कमरे से बाहर गया तो उन लोगों ने मेरे मम्मी पापा को इंक्वायरी के लिए बुला लिया था। मैं मम्मी को आवाज़ देने लगा। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। थोड़ी देर बाद माँ मुझसे मिलने आई और पूछा कि बता तेरे पापा ने कब तुझे मारा। मैं रोने लगा और कहा कि मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे नहीं याद मैंने ये सब बातें कब डॉक्टर से बोली हैं। और मैंने रोते रोते उन्हें अपने साथ होने वाली सारी घटनाएं बताई। मेरी माँ और देर ना करते हुए मुझे सीधा मेरे दादाजी के पास ले। घर के अंदर पैर रखते ही मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे मुझे सांस ही नहीं आ रही है, कोई ज़ोर से मेरे गले को दबा रहा। दादाजी वहाँ आए, मैंने देखा उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही अजीब लग रहे थे। अचानक वो मेरी तरफ़ देख कर चिल्लाए और कहा, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है, इसे छोड़ दे। मैं और मम्मी बस खड़े खड़े देख ही रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से लड़ रहे हों। थोड़ी देर बाद उन्होंने आंखें खोली और कहा, बेवकूफ़ लड़के, ये तूने क्या किया।
मैं समझ नहीं पा रहा था। उन्होंने मुझसे कहा, क्या उस दिन तुम पूजा वाले कमरे में थे? मैंने झूठ बोला, नहीं दादाजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। दादाजी ने गुस्से में कहा, झूठ मत बोल, तू उस दिन यहीं था और उस मसान ने तुझे देख लिया था और उसने मुझसे कहा कि मैं उस कमरे से कोई एक चीज़ ले जा सकता हूँ। मैंने उसे हाँ भी भर दी। मुझे यह पता था कि वो तेरी बात कर रहा है। अब कुछ नहीं हो सकता, 7 दिन बाद वो इसे लेकर ही जाएगा। इसने खुद ही अपने साथ चलने की परमिशन दी है। ये सुनते ही मेरी माँ फूट फूट कर रोने लगी। मेरी दादी ने कहा कि बेटा, कालिया मसान काले जादू का सबसे भयानक रूप है। बस 7 दिन में ही इंसान की मौत निश्चित हो जाती है। 7 दिन बाद पूरे होने पर इसे कोई नहीं बचा पाएगा। 5 दिन बीत चुके थे, 1 दिन बाद वो मुझे ले जाएगा। ये सोच सोच कर मैं उस दिन अपने बेड पर ही लेटा रहा। कुछ करने की वैसे भी मेरे अंदर ताकत नहीं थी। थोड़ी देर बाद लोगों के शोर से मेरी आँखें खुली। देखा तो लोगों की भीड़ मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो रखी थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी मैंने देखा कि लोग एक जलती हुई मिसाल आए और उन्होंने मुझे जलाना शुरू कर दिया। मैंने देखा तो मैं एक चिता पर लेटा हुआ था। मैं चीखने लगा कि ये सब क्या कर रहे हो, मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे क्यों जला रहे हो? मैं चीखने लगा लेकिन उन्होंने मेरी कुछ नहीं सुनी और मुझे चिता पर लिटाए हुए आग लगा दी। मैं ज़ोरों से चीखने लगा, मेरा पूरा शरीर ज़ोरों से जलने लगा था। तभी मैंने अपनी माँ की आवाज़ सुनी और मैं उस डरावने सपने से बाहर आ गया। लेकिन मेरे दोनों हाथ बुरी तरह से जल चुके थे। मैं समझ गया था कि ये सपना सपना नहीं था, इसमें आधी हकीकत भी थी। जो सपने में मेरे साथ हो रहा था वो सब हकीकत में भी हो रहा है। मेरी माँ मेरे हाथों को बर्फ़ के पानी में डुबा रही थी। मैं अब बस मरने की राह देख रहा था। इतना दर्द, इतनी तकलीफ मुझसे नहीं उठाई जा रही थी। माँ सारे दिन मंदिर में भगवान के आगे बैठी बैठी रोने लगी। हर वक्त वो भगवान से यही प्रार्थना करती कि कैसे भी मेरी जान बच जाए। 6ठे दिन की रात को रात 12 बजे मेरे दादाजी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे अपने साथ चलने को कहा। मैं चुपचाप उनके साथ चल पड़ा। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी कहाँ था। हम शमशान में थे, मेरे आसपास कुछ चिताएं भी जल रही थी और कुछ बस ठंडी ही हो रही थी। वहाँ पहुँचकर उन्होंने पूजा शुरू कर दी। मैं चुपचाप बैठा था, मेरे पास एक खून से भरा बर्तन पड़ा था। दादाजी मंत्र पढ़ने लगे और मुझे आँखें बंद करने को कहा। अचानक वहाँ जोरों की हवाएं चलने लगी और अजीब सी आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। मैं डर रहा था। दादाजी ने कहा, कितना भी डर लगे, यहाँ से मत खड़े होना, कहीं जाने की मत कोशिश करना और आँखें भी मत खोलना। मैंने सिर हाँ में हिला दिया। इसके बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बहुत से हाथ मुझे छू रहे हैं। मैं कांप रहा था। इसके बाद मेरे कानों में दर्द भरी चीखें सुनने लगी। उसके बाद मैंने वही गुर्राने की आवाज़ सुनी जो मैंने उस दिन सुनी थी। मैं समझ गया था कि वो मसान वहाँ पहुँच चुका है। मेरे दादा ने उससे कहा कि तू इसे नहीं ले जा सकता, मैं तुझे किसी चीज़ को देने के लिए कहा था, अपने पोते को नहीं। उसके बाद उसने कुछ कहा। दादाजी ने कहा, ऐसा है तो इसके बदले में कोई और बलि ले ले, तुझे 10 बकरों की देख बलि देता हूँ। वो नहीं माना, उसने अपने हाथों से मेरा गला पकड़ लिया। मुझे लगा जैसे मेरे शरीर से सारी ताकत निकल चुकी है और अब मेरे मरने से मुझे कोई नहीं बचा सकता। तभी मैंने महसूस किया कि जैसे उस मसान की पकड़ मेरे गले पे से ढीली पड़ रही है और अचानक ही उसने मुझे छोड़ दिया। कुछ देर बाद दादाजी ने मुझे आँखें खोलने को कहा। मैंने आँखें खोली तो देखा दादाजी के शरीर से खून बह रहा था। मेरे गले पर भी खनोचों के निशान थे, पर दादाजी के सामने तो वो कुछ भी नहीं थे। मैंने कहा, दादाजी चलो हॉस्पिटल चलो। उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, घर चलते हैं, अब सब कुछ ठीक हो चुका है, तुझे कुछ नहीं होगा। हम दोनों घर पहुंचकर अपने अपने कमरों में सो गए। अगली सुबह मेरी नींद खुली तो देखा कि मैं पहले जैसा अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मेरे शरीर में जैसे जान वापस आ गई थी। तभी मैंने देखा कि मेरी माँ और बहुत से लोग घर में आए हुए हैं और वो ज़ोरों से रो रहे हैं। मैंने अपनी माँ से कहा कि मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा और बस इशारा कर दिया। मैं भागकर दादाजी के कमरे में गया, देखा तो दादाजी की डेथ हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने कहा कि उन्हें हार्ट अटैक आया हुआ है, पर मैं जानता था कि ये सच नहीं है। उन्होंने मेरी जगह उस मसान को खुद की बलि लेने के लिए मना लिया था। मेरी गर्दन पर आज भी उन खरोंचों के निशान हैं। मैं जब भी सोता हूँ मुझे सपने में वही लाल लाल आंखें दिखाई देती हैं और मुझे अपनी बेवकूफ़ी याद आती है कि मैंने कैसे अपने
बेवकूफ़ी की वजह से अपनी लाइफ को खतरे में डाल दिया, और सिर्फ अपनी ही नहीं अपने परिवार वालों की ही ज़िंदगी भी खतरे में डाल दी, और मेरे दादाजी को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली कहानियाँ नहीं सुनी हैं तो ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करें और हमारी कहानियाँ सुनें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि नई कहानी की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ओके, बाय।